कभी सोनिया गांधी को विदेशी कहा, इंदिरा गांधी को धोखा दिया, कांग्रेस को तोड़ा, शरद पवार ने गांधी परिवार के साथ जो किया भतीजे ने उनके साथ वैसा ही कर दिया। समय ने कर दिया शरद पवार का हिसाब किताब, हाथ से निकल गई पार्टी, राहुल की सलाह मान लेते तो पार्टी टूटने से बचा लेते, राहुल से ज्यादा संजय राउत से सलाह लेना पड़ गया भारी। भतीजे के साथ जिसे कहते थे राइट हैंड, वो भी निकल गया दगाबाज। मुंबई से दिल्ली तक एनसीपी के टूटने के पीछे किन साइड स्टोरी क्या रही। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, अपनी करनी पार उतरनी, शरद पवार ने जैसा किया दूसरों के साथ ठीक उसी तरह शरद पवार के साथ हो गया। जिस पवार ने सोनिया गांधी को विदेशी कहकर कांग्रेस को तोड़ा था, शरद पवार पीए संगमा और तारिक अनवर मिलकर सोनिया गांधी के पार्टी प्रेसिडेंट बनने के वक्त पार्टी से टूट कर अलग हो गए थे। अब पवार के साथ भी वैसा ही हुआ है। आपातकाल के दौरान शरद पवार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बगावत कर दी थी। इंदिरा से बगावत करने के बाद पवार ने कांग्रेस छोड़ दी। साल 1978 में जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई, राज्य के मुख्यमंत्री बने। साल 1990 में इंदिरा गांधी सरकार की जब वापसी हुई तो उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। तब 1983 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया। उस साल हुए लोकसभा चुनाव में शरद पवार पहली बार बारामती से चुनाव जीते, लेकिन साल 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मिली 54 सीटों पर जीत ने उन्हें वापस प्रदेश की राजनीति की ओर खींच लिया। शरद पवार ने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व किया। कहते हैं राजनीति के समंदर में ज्वार भाटा दिन और वक्त देखकर नहीं आता, लेकिन 2 जुलाई को महाराष्ट्र की सियासत में ऐसी सुनामी आई कि मराठा छत्रप की उपाधि वाले शरद पवार का पूरा कुनबा तितर बितर हो गया। अजित पवार एक घंटे के भीतर नेता विपक्ष से डिप्टी सीएम बन गए। 9 एनसीपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका दिया। अजित पवार की तरफ से 40 एनसीपी विधायकों के बागी होने का दावा सुर्खियों में आया, और देखते ही देखते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कुनबा महाराष्ट्र के सियासत में शामिल हो गया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ सभी मंत्री राजभवन में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के सियासत में सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि इसकी भनक लोगों को तब लगी जब अजित पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए। सबसे पहले अजित पवार ने समर्थक विधायकों के साथ घर पर मीटिंग की। इसके बाद अजित पवार 17 विधायकों के साथ शिंदे सरकार को समर्थन देने के लिए राजभवन रवाना हो गए। अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने के साथ ही 9 एनसीपी विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शरद पवार से बगावत करने वाले जिन मंत्रियों को महाराष्ट्र की सत्ता में मंत्री की कुर्सी मिली, उनमें छगन भुजबल, धर्म रावत्रम, सुनील वलसाडे, अदिति तटकरे, हसन मुश्रीफ, धन्नी मुंडे, अनिल पाटिल और दिलीप वलसे पाटिल शामिल हैं। ये सारे कभी शरद पवार के खास माने जाते थे, खास तौर पर छगन भुजबल। राज्य की सत्ता से निकलकर देश की सत्ता में अपनी अंतिम महत्वाकांक्षा को धार देने में शरद पवार इस कदर मशगूल हो गए कि उन्हें अपने ही घर में सुलगी चिंगारी नजर नहीं आई। चले थे विपक्षी एकता जुटाने, लेकिन अपना ही परिवार बिखर गया। महाराष्ट्र की सियासत में हुए इस उलट पुलट की जो सबसे बड़ी वजह सामने निकल कर आ रही है, उसमें ये माना जा रहा कि बीते दिनों पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने से शुरू हुए तमाशे के बाद जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल और बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उससे पार्टी का एक बड़ा धड़ा नाराज चल रहा था। दूसरी तरफ अजित पवार के शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद कहा जा रहा है कि अजित पवार पूरी एनसीपी को भी तोड़ सकते हैं। इस पूरे मामले को एक बार फिर वैसे ही जोड़कर देखा जा रहा जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने पार्टी विधायकों के साथ बगावत कर शिवसेना को तोड़ लिया था और फिर पार्टी पर अपना दावा किया था। पार्टी तोड़ लेने के दावे में कितना दम है, अगर इस हकीकत पर गौर करें तो अजित पवार के साथ एनसीपी के 35 से ज्यादा विधायकों के अलावा पार्टी के 3 सांसद भी हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में अजित पवार की एंट्री को अचानक मानने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि अजित पवार ने इसकी तैयारी बहुत पहले से करनी शुरू कर दी थी। अजित पवार गाहे बगाहे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करके चाचा शरद पवार को चिताते रहते थे। कुछ दिनों पहले भी अजित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि मोदी साहब के काम की वजह से ही देश में बीजेपी आई। वैसे अजित पवार ने जो किया उस पर आपका क्या मानना है? उन्होंने चाचा के साथ अच्छा किया या बुरा किया? अजित पवार के साथ क्या होना चाहिए, हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।